तो ये कहानी है तब की जब मैं व्लॉगर नहीं था एंड इट इज अ स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर विद यू। तो चलो, चूंकि पैसे लगाए थे तो मैंने कहा यार कंटेंट, यू नो, लेट्स गो। आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये सफर शुरू किधर से हुआ था। तो ऑब्वियसली ये सफर शुरू हुआ था पाकिस्तान से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। उस वक्त ये नया नया एयरपोर्ट बना था, जो वो नहीं है मोटरवे वाली साइड पे, वहाँ ये बड़ा सा नया एयरपोर्ट बना था और उधर से हमारा सफ़र शुरू हुआ तुर्की इस्तांबुल की तरफ। कुछ सवाल आ रहे होंगे दिमाग में कि ये कब गया, कितने टाइम पहले, किसके साथ, क्या खाया वहाँ। ये दिमाग में, अल्लाह ना करे ये दिमाग में आया, लेकिन जो मतलब इसके आंसर्स हैं, कब मैं ये 2 साल पहले गया था गालिबन, आई थिंक इट वाज 2017। सफ़र जब शुरू हुआ ना, उसमें हम बैठे थे टर्किश एयरलाइंस में, सही है, हम गए थे इकॉनमी क्लास में, सही है। ये मैंने क्यों बोला इकॉनमी क्लास, ये बताना बहुत लाजमी है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बाद में पता लगेगा आप लोगों को। अब हम बैठे हुए टर्किश एयरलाइंस में, सही है, सबसे पहली चीज़ आप लोग जो है ना सारे नोटिस जो वहाँ करेंगे ना कि स्टाफ इतना खूबसूरत होता है ना कि बंदे का उधर ही दिल आ जाते थे। खूबसूरत खूबसूरत लोग आपको कह रहे थे जी ये ले पानी, ये ले, ये बंदा कहते हैं यार क्या बात है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहली चीज़ तो आप यही नोटिस करेंगे, सही है। उसके बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी खूबसूरत जगह है टर्की, मतलब मुँह खुल जाता है इंसान का, सीधी सी बात है, सही है। पाकिस्तान से जब जा रहे हो ना बंदा टर्की, तो लिटरली ये मनाजर देखें थोड़े थोड़े। ब्लू मॉस्क और हागिया सोफिया बहुत खूबसूरत जगह हैं, मतलब बंदा फैसल मस्जिद जिस तरह है ना, ठीक है, बंदा छोटा सा खड़ा होता है, इतनी बड़ी मस्जिद होती है और मतलब बंदे का बिल्कुल मुंह खुला रह जाता है, उस तरह की चीज़ें, और वो मतलब इतनी साफ, और मतलब बंदा वहाँ जाता है ना तो ऐसे लगता है कि बस हर वक्त सफाई हो रही है वहाँ, लिटरली, कि ये नहीं कि कहीं गंद आपको नजर आ जाए, नेवर, मतलब कहीं आपको कोई कचरा नहीं नजर आएगा, लिटरली आप बस घूमोगे, आपको ढूंढना पड़ेगा कचरा, इतना साफ जगह होती है। हाँ, हम बीच पे गए थे, सही है बॉयज, ठीक है, ये आपस की बात है, बीच पे गए थे हम। हमें पता नहीं था किस तरह का सीन होगा, लेकिन जब हम वहाँ गए तो मतलब वो बिल्कुल, मतलब जिस तरह यूरोप में होता है यार, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो शर्म आ गई थी, ठीक है, मतलब वो फील होती है कि यार मैं, मेरे से शर्ट नहीं उतारी जाती इस तरह ना पब्लिक प्लेसेस में। तो मैं ना वहाँ अपनी ना बनियान पहन के गया था, और जब मैं वापस आया था ना तो मेरी सारा मतलब स्किन बर्न हुई हुई थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब अभी भी पता अब तो नहीं है, वो 2-3 साल पुरानी बात है, लेकिन मतलब हाँ, मैं आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। तो आप जाओ तो यार प्लीज़ वहाँ जाके ना उतारो, बहुत मोटे मोटे लोग भी आए होते हैं, कोई इतने मसले की बात नहीं होती। ये फोटो है जी मेरी और मतीन की, सही है। ये जब हम गए थे ना यूप अंसारी, सही है, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि आप ना यार, उन्होंने कहा था आप इस तरह कपड़े ये पहने और आपकी मतलब फोटो इस तरह हम उतार के देंगे, तो ये काफी फनी सी थी।
यार इस तरह हिल टॉप पे ना एक रेस्टोरेंट था और वो नीचे जो व्यू था ना इतना खूबसूरत वो व्यू था पूरा लिटरली टर्की नजर आता था दोनों साइड्स इस तरह और वो मतलब केबल कार के थ्रू ऊपर जाते थे तो वो ये अयूब अंसारी वाली साइड पे था और इतना रश था यार उस केबल कार पे मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी और मतलब लाइन इतनी होती थी बंदा बस खड़ा ही रह गया था लाइन में। मुझे याद है हमें कोई डेढ़ घंटा तो वेट करना पड़ा था उस केबल कार से जाने के लिए ऊपर तो क्योंकि यूरोप में आता है एशिया में व्हाटएवर लेकिन बिसाइड्स दैट वेरी ब्यूटीफुल प्लेस मस्ट विजिट इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं था इट वाज लाइक एवरेज एक्सपेंसिव अगर आप कंपेयर करो ना अब्रॉड ट्रिप्स वगैरह तो दैट वाज इट। और भी सवाल हों तो लेट मी नो ये मैंने क्या किया है। दिस इज मी मूसा साइनिंग ऑफ ऑलवेज रिमेंबर टू स्माइल अल्लाह। ओ हाँ एक चीज़ बताना भूल गया वापसी पे हमारी ना किस्मत इतनी अच्छी है कि बिजनेस इकोनॉमी क्लास के ना वो सीट्स बुक हो गई थी हम थोड़ा सा लेट गए थे तो मतलब वो सीटिंग हो चुकी थी तो हमें ना फिर बिजनेस क्लास में उन्होंने अपग्रेड मार दिया था तो ये हमारे साथ एक यू नो लक। करतारपुरा आ गए हम ये करतारपुर है तुर्की का करतारपुरा हाई एंड करतारपुरा क्यों मूसा सरोश ये हमारा नया सरोश।